प्रभु यीशु ही महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा तू मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु हाँ मेरे जीवन में तू ही प्रभु हाँ मेरे जीवन में तू ही प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हैं इस समय में, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं इस समय में और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने यह सुंदर सा अवसर हमें दिया है कि ट्विन सिटी क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा पासबानों के साथ मिलकर हम सब परमेश्वर के महिमा के लिए थोड़ा सा समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। और हम सभी की यह बहुत इच्छा थी कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोले, समय दे और बहुत ही अद्भुत रीति से, भले ही ऑनलाइन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत चमत्कार किया कि हम सब एकत्र एक ही मंच पे आकर इस समय में परमेश्वर की स्तुति, आराधना, परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आनंद की बात है, परमेश्वर की महिमा की बात है कि परमेश्वर ने फिर से एक बार ट्विन सिटी क्रिश्चियन एसोसिएशन को इस प्लेटफॉर्म पे लाया है ताकि इन सब बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिल सके, परमेश्वर को जलाल मिल सके। आइए इस समय में हम इस कन्वेंशन की, इस मीटिंग की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करेंगे और हमारे बीच में पास्टर एंथनी है और पास्टर प्रदीप चांदने हैं। ये दोनों से मैं विनती करता हूं कि आज की इस मीटिंग को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज अद्भुत काम करें और इस मीटिंग के द्वारा हजारों लोग आशीषित होने पाए। जितने लोग आज इस ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं वो सब लोग फेसबुक के द्वारा हो या कहीं पर भी, जैसे भी ऑनलाइन वो देख रहे हैं, वो सब के सब आशीषित होने पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर एंथनी और उसके बाद में पास्टर प्रदीप चांद ने प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आई एम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु राजा परमेश्वर, आपके दया के कारण ही, आपके अनुग्रह के कारण ही प्रभु आज का ये दिन और ये सभा संभव हो पाया है। प्रभु राजा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर हम जानते हैं ये सारी योजनाएं आपकी है प्रभु, आपने अगुवाई किया और प्रभु हमने ये सारी योजनाओं को किया और परमेश्वर और ये योजना को सही तरीके से होने में प्रभु शुरू होने में आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, होने दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर मैं हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े हैं, खास करके परमेश्वर राजा ट्विन सिटी एसोसिएशन के जितने पास्टर्स है उन सभी को परमेश्वर आपके चरणों में लाता हूँ। साथ ही साथ प्रभु आज के प्रवक्ता जो पास्टर थॉमस चेरियन है उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ।
स्तुति आराधना अगुवाई करने के लिए बहन मनप्रीत को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु राजा। आपका अनुग्रह, आपका दया मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और आप इस सभा का ताबा लीजिए, आप इस सभा को चलाइए परमेश्वर। जैसे स्तुति आराधना का समय होता है प्रभु, होने दीजिए। आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह परमेश्वर बहे, और परमेश्वर हर एक लोग परमेश्वर जो स्तुति आराधना के गीतों को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में छुटकारे का कार्य यीशु के नाम से शुरू हो जाए प्रभु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा, आप अगुवाई कीजिए, आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। सिस्टर पर दया कीजिए प्रभु राजा, जैसे वो अगुवाई करती है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको स्पर्श कीजिए, उनके परमेश्वर पूरे सिस्टम को स्पर्श कीजिए परमेश्वर, माइक्स को, कीबोर्ड को, हर एक सिस्टम को प्रभु स्पर्श कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी परमेश्वर प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का कोई परमेश्वर साउंड में तकलीफ ना आए परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सिस्टम को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि सही तरीके से चले। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। आज जो वचन आएगा परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर राजा, वो पास्टर के द्वारा परमेश्वर आप हम हर एक से बातें कीजिए प्रभु राजा। परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक जो परमेश्वर आपने उनसे बातें कही है परमेश्वर, जिन बातों को वो हमारे बीच में लाएंगे, उन सारे शब्दों को प्रभु हम आपके सामर्थ्य अभिषेक करते हैं। हर एक शब्द प्रभु जो उनके मुख से निकलेगा प्रभु राजा, परमेश्वर जो आपकी ओर से है, वो सारे शब्दों को प्रभु राजा आप अभिषेक कीजिए, और प्रभु सुनने वालों के हृदय में प्रभु आप कार्य कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो भी प्रभु सभा को प्रचार को सुनेगा प्रभु राजा, परमेश्वर जो भी परमेश्वर हालात से, जो भी परमेश्वर परिस्थिति से वो आज आपके सामने आए हैं, इस जूम में प्रभु जुड़े हैं, या परमेश्वर किसी भी माध्यम से प्रभु इस सभा में जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी हृदय प्रभु आज आपके सामने आया है प्रभु, आप हर एक हृदय के साथ वचन से सेवकाई कीजिए प्रभु राजा। प्रभु होने दीजिए कि परमेश्वर हर एक वचन, हर एक शब्द जो निकलेगा प्रभु राजा, परमेश्वर वो लोगों के जीवन में कार्य करे। हर एक बीज जो आज बोया जाएगा परमेश्वर यीशु के नाम से, वो सारे बीज अच्छी भूमि पर गिरे परमेश्वर, जहां पर 100 गुना प्रतिफल आए प्रभु उस बीज से प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह को, आपके दया को मांगते हैं, खास करके परमेश्वर हम परमेश्वर हमारे सभी ट्विन सिटी के पास्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा। आपका दया, आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए रखिए परमेश्वर, जैसे हमने परमेश्वर इस योजना को परमेश्वर लेकर चले हैं प्रभु राजा। प्रभु होने दीजिए, इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक नेट कनेक्शंस को, हर एक वाईफाई कनेक्शंस को आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, सही तरीके से चले, किसी प्रकार का कोई नेट में इश्यूज ना आए प्रभु, किसी प्रकार का कोई वाईफाई में इश्यूज ना आए परमेश्वर राजा। परमेश्वर हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इस समय में, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, और परमेश्वर आपके सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु राजा। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका दया पूरी सभा को चलाए प्रभु। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं जूम में जुड़ने वाले जितने भी लोग हमारे साथ है प्रभु, फेसबुक लाइव में देखने वाले जितने भी लोग हमारे साथ है, यूट्यूब में देखने वाले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य बहे प्रभु राजा। प्रभु होने दीजिए हर एक व्यक्ति प्रभु पूरी सभा का प्रभु आनंद उठाए, और प्रभु आपके उत्साह में परमेश्वर उत्साहित हो जाए प्रभु राजा। आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य को मांगते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु आप दया कीजिए, दया कीजिए पूरे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और आप कंट्रोल कीजिए इस मीटिंग को परमेश्वर राजा, आप आइए और आप चलाइए परमेश्वर राजा। परमेश्वर अपने दास से बातें करो, और प्रभु जैसे हम सभा को चलाएंगे प्रभु आपका अनुग्रह रहे प्रभु राजा, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। होने दीजिए ये सभा से प्रभु केवल और केवल और केवल आप ही के नाम को महिमा मिले प्रभु। आप एकमात्र परमेश्वर बढ़ते जाए और हम सभी घटते जाए प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
स्वर्ग पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ प्रभु जी। सच में परमेश्वर तू कितना भला परमेश्वर, तेरी भलाई सदा की है। खुदावन बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सच में इस सभा को आप अनुग्रह दे, आपकी कृपा दे। प्रार्थना करता हूँ सच में परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि तेरा वचन कहता है कि भाइयों का मिलना कितना मधुर है। और पिता, आज टीपीसी के द्वारा परमेश्वर जी आपने हमें फिर एक बार इकट्ठा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस सभा के द्वारा परमेश्वर हम सभी पासवानों को और जो जो इस बात को सुनने वाला है, देखने वाला है, उन सभी को आप आशीष करेंगे, पूरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिस समय आराधना शुरू हो, हमारी बहन के ऊपर आपकी अनुग्रह उतर आए परमेश्वर, आपकी सामत उतर आए प्रभु जी। और सच में परमेश्वर, दाऊद के सम्मान जब वे गीत गाए, आप परमेश्वर हर वो रूम, हर वो जगह, हर वो व्यक्ति आपकी आत्मा से भर जाए खुदावन बाप। आप परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सच में जैसे स्तुति आराधना शुरू हो, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ छुटकारा बहने दे खुदावन बाप। जो भी तकलीफ में है, बीमारी में है, संकट में है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस सारे छुटकारे को पा जाए प्रभु जी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके दास के लिए। आप परमेश्वर इतने दूर से प्रभु जी वे वचन की सेवकाई करने वाले हैं, मैं आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। उनके शब्दों को आप आशीष करें, जिस वचन से बात करने वाले हैं उस वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आप अगुवाई करें, और जिस बात की जरूरत है परमेश्वर उसे आप प्रदान करें। फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पासवानों के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी सुनने वालों के लिए, आपके विश्वासियों के लिए, कि खुदावन बाप आपने हमें सभी को इकट्ठा किया। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण का मेरे पिताजी। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम जैसे आगे बढ़ते हैं और इस मीटिंग की हम एक एक बातों को लेकर आगे परमेश्वर की महिमा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आज जो ये मीटिंग है, इसका जो थीम है, अराइज एंड शाइन, उठ और ताशवान हो जा। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग जो इस समय में ऑनलाइन यहां पर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, परमेश्वर हम सबको इतना आशीषित करने वाला है कि हम सब फिर से एक बार उठेंगे और फिर परमेश्वर की महिमा के लिए उसी ताकत के साथ में काम करेंगे। भले ही ये कोरोना का जो समय था वो चला गया है, और ये जो 2020 था जिसमें लॉकडाउन की सिचुएशन थी हर एक देश में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे इस भारत देश में हमको सभी को सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस समय में इस मीटिंग में सबसे पहले हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदा परमेश्वर का हम हाथ उठा के स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं अपने जगह पे। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो ऐसे वचन में कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आज हमारी इस मीटिंग में हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारा खुदा हमारे साथ में है, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है। और इसके लिए हम परमेश्वर को सबसे पहले यहाँ पर उसका स्वागत करते हैं, यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, हमारे त्रियक परमेश्वर का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में मैं परमेश्वर को इस समय में विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ हमारे ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के लिए, सभी पासवानों के लिए जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये मीटिंग को चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी। परमेश्वर, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और इस समय में सभी पासवानों का, ट्विन सिटी के पास्टर कमेटी का, और साथ ही साथ में हर एक पासवानों का हम दिल से स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। साथ ही साथ में हम स्वागत करते हैं आज के हमारे जो
पास्टर साहब प्रचार करने वाले हैं, पास्टर थॉमस चेरियन जो अमेरिका से प्रचार करने वाले हैं। साथ ही साथ हम सिस्टर मनप्रीत का भी स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने उनको भी हमारे साथ में जोड़ा है इस समय में आराधना करने के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को हर एक वो व्यक्ति जो इस समय में हमारे साथ में जुड़ा है, हर कोई भी कलीसिया का हो किसी भी प्रकार से इसमें जैसे जुड़े हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी कि आज आप हम सब के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए ताकि हम सब लोग उन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके, परमेश्वर की उस महिमा को देख सके। आइए प्रियो, हम इस समय में आराधना की ओर जाने वाले हैं और सिस्टर मनप्रीत जो है वो हमें परमेश्वर की आराधना में लेके जाने वाली है। लेकिन सिस्टर मनप्रीत जो है उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि सिस्टर मनप्रीत जो है वो कहाँ पर है, कैसे सेवा करती है, और उसके बारे में हमारे बीच में पास्टर जिक्सन है। मैं विनती करता हूँ पास्टर जिक्सन जी से कि वो पहले हमारे बहन का इंट्रोडक्शन करें और उसके बाद में तुरंत ही सिस्टर मनप्रीत जो है वो परमेश्वर की आराधना में हमको लेके चलेंगे। हालेलुया, मिलकर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस अच्छा वक्त के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया हुआ इस मीटिंग में हम सबको एक और बार स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज बहुत खुशी है कि प्रभु के दासी पास्टर दास पास्टर किरण विजय कुमार और सिस्टर मनप्रीत किरण को आज हमारे बीच में परिचय कराने में इस कोविड के समय में प्रभु के दास किरण को और सिस्टर मनप्रीत को परिचय हुआ है। ये सारे लोग डर के मारे अंदर बैठने के समय में प्रभु के दासी और दास मिलके परिवार के साथ दुनिया भर में कई कई सारे मीटिंग में जाकर प्रभु के नाम को स्तुति करने के लिए, वजन को प्रचार करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। अपोस्टोलिक फेथ चर्च जो दिल्ली में है मालवीय नगर में, वहां का पासवान है पास्टर किरण विजय कुमार, उनका पत्नी है बहन मनप्रीत किरण। पासवान और पत्नी को प्रभु एक्स्ट्रा टैलेंटेड्स दिया है परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए। प्रभु विभिन्न तरीका में उनको इस्तेमाल करते हैं। हम खुश हैं आज प्रभु के दासी हमारे बीच में सेवाई के लिए आ चुका है। प्रभु के दासी को सेवाई के लिए स्वागत करते हुए मेरे शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रिय पास्टर जी और जुड़े हुए हर एक प्रिय परिवारों को, प्रिय लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। अपोस्टोलिक फेथ चर्च के काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं, सभी को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महिमा आज हमारे बीच में प्रकट हो। आइए हम बिना समय व्यर्थ किए हुए खुदावन के चरणों में जाएं। हालेलुया, अपने सरों को झुकाएं और यीशु के उस नाम को जिस नाम ने हमें छुटकारा दिया, आमेन, जिस नाम ने हमें जीवन दिया, जिस नाम ने हमारे जीवन को बदल दिया, उसे हम महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर हालेलुया उसकी आराधना करें। खुदावन का नाम मुबारक करो, हाँ खुदावन का नाम मुबारक करो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंत अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, तुम आज नया गीत गाओ, आओ सारी पृथ्वी के लोगों, तुम आज
आज नया गीत गाओ, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, करो बयान उसके गीत का, करो बयान उसके गीत का, सबसे अजीम वो सबसे भला, सबसे असीम वो सबसे भला, जिसने आसमां बनाया उसके करीब आओ, हाँ जिसने हमको बनाया उसकी महिमा गाओ। आखिरी बार खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजा की खुशखबरी दो, उसकी नजा की खुशखबरी दो, उसकी नजा की खुशखबरी दो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते हैं। यीशु, आपका नाम मिलने से हमारा जीवन सवर गया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ हम सबको ये गीत आता है। अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर जैसे आप हालेलुया दिल से खुदावन की आराधना करना चाहते हैं, आप मिलकर मेरे साथ हालेलुया हालेलुया प्रभु की आराधना करें। यीशु नाम मिला, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु तेरा नाम जिस दिन से मैंने लिया मेरे जीवन में हालेलुया एक नया सामर्थ आ गया। बोल यीशु मसीह की जय, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर रूही नाम में पाता है, तेरी राहों पर चल कर रूही नाम में पाता है, तेरी रूह से सब लोग गाएंगे हालेलुया, तेरी रूह से, हाँ तेरी रूह से, यीशु की रूह से, मसीह की रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा
जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, यीशु ने अपने लहू के कतरों को मेरे लिए आपके लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को यीशु ने अपने लहू के कतरों को, हालेलुया, बाइबल बताती है अपने आखिरी बूंद लहू को, हालेलुया, यीशु ने ना रख छोड़ा। कितने लोग आज शुक्रगुजार हैं उसके लहू के लिए, ओरिया नबशंदरे उसके बलिदान के लिए। उसने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, उसने जान कितने लोग कहेंगे खुदावन में तेरे छूने के इंतजार में। हालेलुया। और अलबशंदने एक समय था जब मैंने उद्धार पाया तो खुदावन ने मुझे छुआ, लेकिन आज फिर से हालेलुया एक नए अभिषेक को, एक नई छुअन को, ओ पवित्र आत्मा को, हालेलुया। अगर आप बाट जोने वाले हैं तो पुकारते हुए बड़ी प्यास के साथ कहने लग जाएं, तेरे छूने से, हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीने सहारा है, तू ही मेरा किनारा है, हालेलुया, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा बचाने वाला है, और तू ही मेरा रक्षक है। ओ पिछले पूरे साल प्रभु तूने मुझे संभाला है। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करते हुए कहेंगे, यीशु अब मेरे जीने का एक तू ही सहारा है।
मेरे जीने का, यीशु अब मेरे जीने का, एक तू ही सहारा है मेरे जीवन की कश्ती का, एक तू ही किनारा है यीशु तू मिला, ओ हो यीशु तू सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, जीवन मिलया मेरे
गहरी बरकत आई है खुदा, ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जो लोग पंजाबी नहीं समझते इसका अर्थ मैं बताकर इस गीत को गाना चाहूंगी। जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी और बरकत आई मेरे जीवन में आई है खुदा। विश्वास करने वाले हाथों को उठाकर, ओ बंधन टूट गए सारे दुख भी हर गए आंसू पोंछ दिए गए ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मैंने यीशु पर विश्वास किया हालेलुया, हो ईमान जो मैं करिया पला यीशु दा पड़िया उन तरस मेरे ते खा मैनु चंगा भी करिया उन तरस मेरे ते खा मैनु चंगा भी करिया। ओ जा जाए चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। ओ जा जाए चढ़ गए दुश्मन हर गए डूबे भी तर गए खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो हाथों को उठाकर, बंधन टूट रहे हैं मेरा राजा मौजूद है यहाँ। हाँ जितने बीमार हैं चंगे हो रहे हैं मेरा राजा मौजूद है यहाँ। हाँ वो मौजूद है यहाँ हालेलुया हाथों को उठाकर, वो मौजूद है यहाँ 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट
जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। हाँ ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। सब लोग कहेंगे मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो। हालेलुया, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी सामर्थ है वो, मेरी शक्ति है वो, मेरा प्रभु है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा राजा मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा राजा मौजूद है यहाँ। ओ आत्मा में हो पकड़ू
यीशु के साथ इस करीबी के समय को। हालेलुया पाखरू यीशु के करीब ले जातू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राह पे तू चलना सिखा। पखरू यीशु के करीब ले जातू, पखरू यीशु के पवित्र स्थान ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। हाँ मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, हो तेरे सामने झुकते सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, और सच्चाई से यीशु की आराधना अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको अति पवित्र लिखाना वर्षा दे, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकती हूँ हो सजदा मैं करती हूँ,
तेरे सामने झुकती हूँ राजा, सजदा मैं करती हूँ। हो आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करती हूँ, आत्मा और सच्चाई से खुदावन की आराधना 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 गुजारी करते हैं खुदावंत कि हम ना चीजों को, हम अयोग्यों को आपने अपने लिए चुनकर अलग कर लिया। हालेलुया। और जब हम पापी ही थे तभी आपने हमें चुन लिया। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके छुटकारे का, और आज इस शाम के समय जुड़े हुए हर एक प्रिय लोगों का परमेश्वर आपकी आशीष, बरकत, छुटकारा, समाधान, हालेलुया, हर एक के ऊपर हम बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन आज आपकी हुजूरी में आप बड़े अद्भुत कामों को हमारे बीच में कर रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं, हृदयों को खोल देते हैं, हालेलुया, और अपने जीवन में आपकी महिमा को हम हालेलुया मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आराधनाओं को कबूल करने वाले, स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआओं को मांगते हैं। सब लोग मिलकर कहें आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सिस्टर फॉर वंडरफुल वर्शिप। और ये सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, हमारे पिता को देते हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है इस समय में। और सचमुच सारी आदर, सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रियो, जैसे हमने परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया है और सिस्टर ने बहुत ही अच्छी रीति से स्तुति आराधना में हमको चलाया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम फिर से एक बार परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, परमेश्वर से एक बार फिर से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ को हमारे बीच में हम आज उतरते हुए देख सकते हैं। प्रियो, इस समय में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है। वो अनाउंसमेंट हम लोग सुनेंगे, आज के वक्ता के बारे में परिचय भी हम लोग सुनने वाले हैं, और जो ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसके विषय में भी थोड़ा बहुत सुनने वाले हैं। हमारे बीच में पास्टर हरिदास जी है। मैं विनती करता हूँ, जो पास्टर हरिदास हमारे ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है, मैं उनको समय देता हूँ कि वो 5 मिनट में इस समय में जो अनाउंसमेंट है वो करें, और साथ ही साथ आज के जो वक्ता है उनका भी इंट्रोडक्शन करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रथम इसी कन्वेंशन को
सहायता किया हुआ परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आज पिछले दिनों की प्रार्थनाओं का द्वारा, इस मीडिया का द्वारा इसी कन्वेंशन संभव होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। विशेष इसी कन्वेंशन के चेयरमैन के रूप में सेवा करने वाला प्रभु का दास पास्टर विनोद यादव, साथ टिन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट की आदरणीय दासगण कलिसिया, और आज हमारी अतिथियों के रूप में परमेश्वर की वचन बांटने के लिए आया हुआ प्रभु का बहुमूल्य दास पास्टर थॉमस चरियन। अभी तक हमें गीतों का द्वारा परमेश्वर की आत्मा की उन्माद में लेकर गया हुआ सिस्टर मनप्रीत किरण, और इसी जूम मीडिया के जरिए इस कन्वेंशन में उपस्थित परमेश्वर की तमाम भक्तगण आप सभीों को प्रभु यीशु मसीहा की प्रेम से टिन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट का प्रेम और आदर हम आदर करते हैं। परमेश्वर आप सभियों को आज रात आशीष और अनुग्रहों से भरने पाए। इस शुभ अवसर में टिन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट का बारे में दो शब्द कहना उचित है, ताकि हम जान सके नव मुंबई कमोटे कलंबोली और पनवेल देश में 2018 साल में रजिस्ट्रेशन का द्वारा टिन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट उसी का आरंभ हुआ है। उससे पहले 2013 साल से कमोटे पासेस एसोसिएशन का नाम से इसी फेलोशिप चलता रहा। प्रभु का बहुमूल्य दास पास्टर जिक्सन जेम्स, पास्टर रेजिनाल्ड जोसेफ, पास्टर प्रदीप चांदने, पास्टर वेंकटेश, पास्टर एंटनी, पास्टर एम एस सबास्टिन और पास्टर हरिदास, ये सारे प्रभु की दासगणों का द्वारा ये संकट इसी देश में सेवा करता रहा। प्रभु की सेवगाय में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन का द्वारा टिन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट का नाम से हम 2018 में रजिस्ट्रेशन के साथ सेवगाय में इसी देश में उपस्थित है। पिछले एक साल कोविड का कारण कई कार्य हम कर नहीं पाया। इसी 2021 साल की प्रारंभ समय में इसी कन्वेंशन का द्वारा, जैसे आज परमेश्वर का वचन से हम सुनने के लिए जा रहा है राइज एंड शाइन, इसी साल में प्रभु के लिए एक जागृति का द्वारा परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए हम इच्छा करते हैं। आज इसी महासभा में उपस्थित आप सभियों का प्रार्थना हम चाहते हैं। इसी संस्था की प्रेसिडेंट के रूप में पिछले 3 साल से पास्टर विनोद यादव सेवा करते आ रहा था, लेकिन पिछले दिनों में और रेलवे की सर्वेंट है, उसी का ट्रांसफर हुआ है। फिर भी प्रभु का दास का सेवकाई अभी तक इस संस्था के लिए बड़ी अनुग्रह दे, आगे भी प्रभु का दास का सेवकाई हम चाहते हैं, और प्रभु की इच्छा के अनुसार आने वाले दिनों को प्रभु का दास को भी अगुवाई करने पाए। आमीन स्तोत्र। आप सभीयों से यह विनती है, ये संस्था के लिए आप लोग प्रार्थना करें। मेरा आज की कर्तव्य, उत्तम कर्तव्य, आज हमारे लिए परमेश्वर की वाणी वचन लेकर आया हुआ परमेश्वर का बहुमूल्य दास पास्टर थॉमस चरियन को आपको परिचित करवाना है। हम जानता हूं पास्टर की परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है। 2017 साल तक उत्तर भारत की परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु का दास सदा सर्वदा शामिल थे। उसकी बात में यूएस कैलिफोर्निया में परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रभु भेजा गया। मैं कोविड 19 का समय को प्रभु का धन्यवाद कहते हैं कि कोविड 19 का समय में प्रभु का दास कैलिफोर्निया में नहीं है, हमारा साथ है। आज भी हमारा साथ परमेश्वर की वचन बांटने के लिए प्रभु का दास को परमेश्वर ने लेकर आए हैं। प्रभु का दास परिवार के साथ यूएस कैलिफोर्निया में सेवा करते हैं। आज प्रभु का वचन से बांटने के लिए प्रभु का दास को हमें यहाँ जो स्वागत करते हैं, उससे पहले प्रभु का दास से बताना चाहते हैं कि
जो वचनों को पढ़कर सहायता करने के लिए पास्टर सज्जन सैम वर्गीज उपस्थित है, वो वचन को पढ़कर हमें सुनाई देगा। और इसी समय में प्रभु का दास के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरत है। हम सभी मांगों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। इसी समय में पास्टर परमेश्वर का बहुमूल्य दास पास्टर वेंकटेश संक्षिप्त रूप में परमेश्वर की वचन के लिए सेवकाई के लिए प्रार्थना में हमें सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, इस वक्त दुआ करेंगे हम लोग। जीसस खुदा, फिर से एक बार प्रभु जी हम आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आज के अद्भुत मुलाकात के लिए पिता परमेश्वर, कि आज प्रभु जी हम टिन सिटी के सारे पास्टर्स और उनके कलीसिया के साथ में इस जूम के माध्यम से पिता आपने हमें एकत्र किया है। हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत मुलाकात के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम पिछले दौरान लॉकडाउन में थे और उसके कारण जो है हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, बट हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ऑनलाइन कन्वेंशन मीटिंग के द्वारा आपने प्रभु जी हम सभी को एक मंच पर इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और ये हम विश्वास करते हैं खुदावन कि हमारे लिए प्रभु जी ये एक अच्छी शुरुआत है नए साल के लिए पिता परमेश्वर, कि हम आपका राज्य में प्रभु जी और भी प्रभु जी लॉर्ड हम चाहत होकर प्रभु जी इच्छा को रखकर और प्रभु जी एक मन से इकट्ठा होकर प्रभु जी हम प्रभु जी यूनिटी में होकर प्रभु जी हम तेरा कार्य कर सके पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आज आपने एकत्र किया हमें, ये हमारे एक दूसरे को प्रभु जी आत्मिकता में उत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज फिर से एक बार प्रभु जी लॉर्ड आपकी आपसे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आज तू हमसे बातें करने वाला है पिता परमेश्वर, तेरे बहुमूल्य प्रभु जी वचनों के द्वारा अपने दास पास्टर थॉमस चेरियन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होंदे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू अपनी आत्मा से और अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु जी उनके मुख से जो कुछ भी वचन आज निकलने वाले प्रभु जी वो शब्दों के द्वारा तेरे वचन के द्वारा तू आज हम में से हर एक व्यक्ति को स्पर्श करना प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी पिछले दौरान जो प्रभु जी COVID-19 प्रभु जी इस वायरस के द्वारा जो इस प्रभु जी हम अपने समय को बिताया है प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी इस दौरान कई लोग निराश है, कई लोग हताश है खुदावन प्रभु जी, आज होन दे प्रभु जी तेरे वचनों की वर्षा प्रभु जी हमारे मध्य में हो पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की निराशा हर प्रकार की गड़बड़ी प्रभु जी व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन और आत्मिक जीवन से फाइनेंशियल जीवन से निकाल दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड और तेरे वचनों के द्वारा हर एक को प्रभु जी तू आत्मिक रीति से बलवंत कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम विनंती करते पिता परमेश्वर होन दे तेरे परफेक्ट विल में प्रभु जी हर एक को तो इकट्ठा कर प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हम सबको तुमने इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर और सम्मान करो सिर्फ आपने देवे, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमेन। अभी तालियां बजाते हुए हम पास्टर थॉमस चेरियन को स्वागत करते हैं। थैंक यू पास। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य सामर्थी अतुल्य नाम में यहां पर एकत्रित हुए ट्विन सिटी फेलोशिप के सारे प्रभु के दास दासी लोग और सारे सम्माननीय लोग जो दुनिया भर के कोने कोने से हमारी आवाज को सुन रहे हैं, सम्माननीय पासवान लोग, सामान्य विश्वासी लोग और करमेल मीडिया विजन के द्वारा सुनने वाले सारे सामान्य दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। स्टूडेंट सिटी फेलोशिप के द्वारा आयोजित इस कन्वेंशन में भाग होने का प्रभु ने मेरे जीवन में जो अवसर दिया, सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस फेलोशिप के प्रेसिडेंट विनोद जी, पास्टर विनोद जी और वाइस प्रेसिडेंट पास्टर हरिदास जी, सेक्रेटरी पास्टर रेजिनाल जी, मेरे प्रिय मित्र पास्टर जैक्सन जी और सारे सम्माननीय पासवान लोगों को, कमिटी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं।
ये जो हमारे जीवन में अवसर मिला है इस महामारी के बीच में कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, जूम फेलोशिप के द्वारा हम उस परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमें मधुर गीत में और आराधना में अगुवाई की हुए सिस्टर मनप्रीत का भी हम धन्यवाद करते हैं। काफी साल पहले देहरादून में हम उनसे मिले थे और वे और टीम लेके आके उन्होंने हमारे गाने में अगुवाई की थी। उन दिनों को मैं याद करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें इस प्रकार प्रभु ने जोड़ा है। और जो आदर के शब्द आपने बताए उन सबके लिए प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूं। परंतु सभी आदर महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, उस परमेश्वर की हम आराधना करें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस कन्वेंशन के थीम के रूप में जो मुझे बताया गया, उठो और प्रकाशमान हो। मरकुस उसके 10 अध्याय के 46 से लेकर 52 में थोड़ी देर में पासबान साजन जी हमें पढ़ के सुनाएंगे। उस भाग में जो कहानी है, उस कहानी में प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा रूप में एक पुकार एक अंधे व्यक्ति को दी, और वो पुकार थी उसको बुलाओ, और उसके फल स्वरूप ये बताया गया उठ और तुझे वो बुला रहे हैं। आज हम एक महामारी के बीच में आ रखे हैं। समस्त संसार में मनुष्य खोया हुआ है, विश्वासी लोग भी खो चुके हैं। कई सारी बातों ने उन्हें इन बातों में खो दिया। कईयों के उम्मीद जो हैं वो खत्म हो गए हैं, कईयों का विश्वास ठंडा पड़ गया है, कईयों ने अपने जीवन का उद्देश्य पर्पस जो है वो खो दिया है। अब हम आगे कैसे बढ़ें? और कईयों ने तो ये हार मान ली है और कह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक ही जगह में बैठे हुए हैं, अंधेरे में बैठकर यहां वहां ताक रहे हैं, आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगला क्या? कई सारी नकारात्मक नेगेटिव बातें जो दिमाग में आकर हमें परेशान कर रही हैं और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। ज्योति को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को देखना यह हमारे लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है, लग रहा है। जिस परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, उस परमेश्वर की आराधना तो हम करते हैं, परंतु उस परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए हमारे अंदर विश्वास कम होता जा रहा है। पर याद रखना, हमारा परमेश्वर अंधेरा जब बढ़ जाता है तब सबसे ज्यादा कार्य करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अंधेरा जब बढ़ जाता है तब हमारा परमेश्वर प्रकाश होने के लिए, प्रकाशवान होने के लिए आज्ञा देता है। नहीं तो उत्पत्ति 1:2-3 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा अंधेरे के ऊपर प्रकाश हो और वो प्रकाश हो गया। याद रखना, हमारा जनरल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कभी हार नहीं मानता। लाल समुंदर के सामने जब बैठे हुए इसराइली लोगों को देख कर कहता उठो आगे बढ़ो, मूसा अपनी लाठी को उठा और लाल समुंदर की ओर बढ़ा और लाल समुंदर दो भागों में बट गया। इसी जनरल की सेवा करते हुए हम आज आए हैं, उसी जनरल के पीछे हम मसीह लोग सेवा में सैनिकों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत ना हारिए। आज का हमारा प्रचार का विषय होगा द कॉल ऑफ द आवर इज टू अराइज एंड शाइन। और आज हमारा प्रचार का शीर्षक होगा ये घड़ी की पुकार क्या है, उठो और प्रकाशमान हो। आइए हम पढ़ेंगे इसके लिए एक वचन, मरकुस की इंजील 10 अध्याय 46 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी
किमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, ये दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तब वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अच्छे मेरे एक मेंटर के रूप में पास्टर बी मैथ्यू भी हमारे बीच में, बहुत धन्यवादी हूं प्रभु का। इस भाग में जो हमने पढ़ा एक अंधे व्यक्ति के बारे में, इसी घटना को हम मत्ती 20 के 29 से 34 में, लूका 18 के 35 से 45 में इसी घटना को हम देखते हैं, परंतु केवल मरकुस उसका नाम बर्तिमाई करके कहते हैं, है कि नहीं? और ये व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जो है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ अपने जीवन में एक निराशा की हालत में वहां बैठा हुआ है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में सारी आशाएं उसके उनको उसने खो दिया है, परंतु इस दरमियान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस यरीहो के शहर से बाहर जब निकल कर जा रहे थे, आप मेरे साथ भावना में आइए जरा, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ यीशु के अद्भुत कामों के बारे में बोलकर जब आगे बढ़ रही है, कई सारे अंधे वहां बैठे होंगे, पर उसमें से एक अंधा, मत्ती इसको कहते हैं दो अंधे हैं, परंतु यहां पर मरकुस एक अंधा जिसका नाम बर्तिमाई है, वो वहां बैठकर वो चिल्ला रहा है। जब उसको मालूम चला जो सामने चलने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों ने उसको डांटा, फटकारा, चुप हो जाओ, परंतु वो चिल्लाता रहा। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर यीशु थम गए, यीशु रुक गए और बोला, उसको बुलाओ। मालिक है, आज्ञा दी, कॉल हिम, कॉल हिम, आज्ञा दी, और लोगों ने उसको जाकर बोला, ढाढ़स बांध, चीयर अप, और वो तुझे बुला रहे हैं, उठ, वो तुझे बुला रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, आज रात के समय प्रभु की आत्मा यहां बैठे हुए कई लोगों को यही बात बोल रहे हैं कि भाई उठ जाओ, ढांढस बांध दो, हमारा निराशा, हमारी निराशा का समय जो है खत्म हो गया है। इसलिए आज हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए इस भाग में से तीन बातों को देखेंगे और हम देखेंगे हमारे जीवन से ये बात कितना, कौन सी बात हमारे जीवन में मायने को रखती है। और मैं विश्वास करता हूं जिस प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे आशीष दिया, वो आपको भी आशीष देगा इस वचन से। तो घड़ी की पुकार क्या है? उठो और प्रकाशमान हो। हालांकि यशया की पुस्तक उसके 60 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक यही थीम को हम देखते हैं, उठ और प्रकाशमान हो, परंतु मैं इस नए नियम के भाग से आपका ध्यान बटाना चाहूंगा, क्योंकि समय जो मुझे दिया गया है उसी समय के अंदर रुकते हुए मैं अपने वचन को, जो बात प्रभु ने दिया है, मैं आपके सामने बोलकर रोकना चाहूंगा। सबसे पहली बात, समय की पुकार क्या है? नंबर 1, उठ और प्रकाशमान हो। उठो, अराइज, ये क्या है? पहली बात, ये एक क्रिया है, दिस इज एन एक्शन। प्रभु यीशु मसीह कुछ करने के लिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब तक वो कुछ कर नहीं रहे, जो नहीं कर रहे उनको करने के लिए प्रभु कह रहे हैं। पिछले दिनों में जब पास्टर साजू मैथ्यू के कलीसिया में जब वचन बोलने का मुझे मौका मिला, 7 कलीसियाओं के बारे में,
तो कई बातें प्रभु ने उन दिनों में मुझे प्रकाशित किया। हमें कुछ करने के लिए प्रभु कह रहे हैं, क्या करना है भाई? Arise from the slumber, नींद से जागने के लिए प्रभु कह रहे हैं। उन लोगों को मैं कहता हूं सोने वाले मसीह, सोना मसीह नहीं, सोने वाले मसीह। यानी कोई सेंसिटिविटी नहीं है, जितना भी जगाओ उठते नहीं है। और ऐसा हो गया कि चाहे दुनिया में चारों ओर कुछ भी घट रहे, योना की तरह किस्ती के नीचे खर्राटे मार के सो रहे हैं। कौन? मो योना साहब, कई योना लोग बैठे हुए हैं, उनको मैं कहता हूं सोने वाले मसीह। क्यों? चारों तरफ अफरा तफरी मची है, न्यूज में, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, कई सारी बातें होते वक्त भी हमारे अंदर कोई चलन नहीं, कोई बोझ नहीं। हमें अपने से मतलब है, दूसरों को क्या हो रहा है इसके बारे में हमें चिंता नहीं है। मैं कहता हूं मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम एक एक बार अखबार को पढ़ते हैं, न्यूज को सुनते हैं, यहां पर इतने लोग मर गए, यहां पर ये बातें हुई, हमारे अंदर प्रभु एक बोझ को जगाने पाए और रात और दिन उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, प्रभु जी मेरे खमोटे में, मेरे ट्विन सिटी में, मेरे नवी मुंबई में, मेरे भारत में, महाराष्ट्र में लोग निराशा में, दुखी में, अकेलेपन में, बीमारी में पड़े हुए हताश हो रहे हैं, प्रभु जी उन पर दया कर। हमारे अंदर एक बोझ हमारी नींद को खराब करने पाए। मेरे अजीजों, जब लोग मर रहे हैं तो मैं कैसे सो सकता हूं, कैसे चुपचाप रह सकता हूं? मेरे आंसू टपकने पड़े, मेरे दिल के अंदर पुकार होने पाए, प्रभु मेरा भारत बचने पाए। हम सेंसिटिव मसीह होने पाए, सोने वाले नहीं। सोने से उठने के लिए प्रभु की आत्मा आज हमें पुकार रही है। मैं आगे जल्दी भाग रहा हूं। किससे उठना है? अराइज फ्रॉम द पोस्चर, हमारी अभी की मुद्रा से हमें उठना है। क्या मालूम, अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, काफी समय से बैठा, सुबह से शाम तक बैठा है। अब सोच के देखिए, किस जगह में आप बैठे रहेंगे तो क्या होगा? गले में दर्द होगा, है ना? आजकल जूम के कारण से देख देख के कईयों का गले में दर्द हो रहा है, इसलिए हमें नेक पिलो लगाना पड़ रहा है। मैं बिना पिलो के लेटता हूं आजकल। एक ही जगह बैठे रहो तो तोंद भी बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, फैट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लॉकडाउन से पहले बॉडी हट्टा कट्टा था, पर जब लॉकडाउन शुरू हो गया, अंदर बैठे बैठे किसी ने मुझे चित्र भेजा कि दरवाजे से बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इतना शरीर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। खा खा के अंदर क्या हो गया है, चर्बी बढ़ गई है। एक ही जगह बैठेंगे तो चर्बी नहीं तो क्या बढ़ेगी बोलो? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, डायबिटिक्स ज्यादा होगा, इसलिए चलना अनिवार्य है। मसीह जीवन में कई लोग बैठ गए हैं इस अंधे की तरह। इनको बोलता हूं मैं स्टैग्नेंट मसीह, मतलब बैठे मुद्रा में रहने वाले मसीह, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब्राहम को देखो, प्रभु ने ऊर से बुलाया और ऊर से बुलाकर वो हारान में आके रुक गया। क्यों? पापा साहब साथ में थे ना। जब तक पापा जी आगे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, और इस कारण से हारान में परमेश्वर ने काफी देर के बाद उसके पिता तेरा को उठा लिया, बोला मेरे दास को आगे बढ़ने से तू रोक के रखा है, हट जा। कई मसीह लोगों के जीवन में कई तेरा लोग बैठे हुए हैं, कई रुकावटें बैठी हुई हैं। शायद ये लॉकडाउन हो सकता है, शायद कोई निराशा हो सकती है। बैठे मत रहिए, प्रभु कहते हैं चलना शुरू कर दो, प्रभु आपके द्वारा कुछ कार्यों को करना चाहता है। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत जीवन, मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला होने पाए, पारिवारिक जीवन आगे बढ़ने वाला होने पाए, मेरी कलीसिया उन्नति की ओर बढ़ने वाले होने पाए। वही जगह में ना बैठे रहें,
हर दिन हमें उन्नति की ओर बढ़ना है। ये प्रभु की आत्मा हमारे से बोल रही है, उठो उठो, समय हो गया है, चलने का समय हो गया है। जल्दी आगे भागूंगा। किससे उठना है? अंधेरे की अवस्था से उठना है। Arise from the darkness। इस अंधे व्यक्ति को देखें, उसकी आंखें चली गई हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कई सालों से कुछ भी उसको अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है। इसको मैं कहता हूं विजनलेस क्रिश्चियंस, दर्शनहीन मसीह। कोई दर्शन ही नहीं है कि नहीं? अंधा जी क्या कर रहे हो, कहां बैठे हो? पता नहीं जी, लोग लाके बिठा देते हैं, बैठ जाता हूं, फिर शाम को ले आते हैं, चला जाता हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कौन चल रहे हैं, कौन बैठे हैं, कुछ भी नहीं सुनाई दिखाई देता, क्योंकि आंख ही नहीं है। आंख है तो भी रोशनी नहीं है, है कि नहीं? कई लोगों का दर्शन खत्म हो गया है। विश्वास में आवे काफी साल हो गए हैं, परंतु अभी कुछ प्रकाश नहीं आ रहा। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी बाइबल खोलते वक्त मुझे नींद आती है, बाइबल खोलते वक्त कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। आएगा कैसे, आंख बंद है ना, आंख बंद है, दर्शन में आपकी बात नहीं कर रहा। दर्शन नहीं है तो कैसे दिखाई देगा बताओ? बिल्कुल वहां पर एक प्रकाश नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा की मदद से ही हमें प्रकाश मिलता है, ये बात याद रखना। 40 साल महल में पलने के बाद मूसा मैदान में आके बैठे हुए हैं। 40 साल तक ससुर जी के क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरी को चरा रहे हैं। पूछो जरा मूसा को, भैया प्रभु ने आपको बुलाया किस लिए था? हाँ जी, सेवा करने के लिए, मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को निकालने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? हम भेड़ बकरी को चरा रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं, सुबह से शाम तक नंबर गिन रहा हूं, ये गिनती मुझे देने पापा जी को, है ना। और यही बात करते करते बेचारे मूसा का दर्शन खत्म, जीरो जीरो हो गया, जीरो। और एक दिन जब प्रभु ने 80 साल की उम्र में बुलाया, कहता जी मुझे मत बुलाओ, मुझे मत बुलाओ, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं नहीं फिरौन के पास जा सकता। भाई 40 साल पहले तुम्हारे में हिम्मत थी, आज हिम्मत कहां चले गई? पूछो कालेब से, 40 साल पहले तुम्हारे अंदर हिम्मत थी कनान देश में जाने के लिए, और तुम वहां पर गए थे, अच्छे रिपोर्ट को लेकर आए थे, परंतु आज तुम्हारे अंदर का वो जोश कहां चला गया, वो दर्शन कहां चला गया? आत्माओं के लिए जो बोझ था ना, प्रभु मेरी कलीसिया में 100, 50, 2000 लोग आने चाहिए, आज हम 10 से तृप्त हैं। आहा, क्या हो गया भाई? मूसा से पूछो तुम मैदान में फंसे हुए हो, पौलुस से पूछो तुम शाऊल की तरह मसीह लोगों को सताते थे, तुम्हारे अंदर बड़ा जोश था पर दर्शन नहीं था। एक दिन दमिश्क के फाटक में परमेश्वर ने शाऊल को दर्शन दिया और उसकी आंखें खुल गई। आज कई लोग बिना दर्शन के बैठे हुए हैं, कहते तो हैं मसीह पर जीवन में कोई दर्शन नहीं है। अगर मसीह है तो मसीह का मतलब अभिषेक, अभिषेक जब होते वक्त पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर नए नए दर्शनों को देगा। नहीं तो योएल 2:28 में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कितने लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने लोग कुछ बातों को देख पा रहे हैं, इस विषय में थोड़ी देर में आगे बढ़ूंगा। अपने अंधेरेपन से उठने के लिए प्रभु की आत्मा अगुवाई दे रही है। आगे बढ़ूंगा, ये ना केवल एक क्रिया है, दिस इज ए कमांड, ये एक आज्ञा भी है। प्रभु यीशु मसीह लूका 18:40 में ऑर्डर देते हैं, चलो उसको बुलाओ। उठने के लिए जो ग्रीक भाषा में यहां पर दिया गया है, एगेरे, एगेरे नाम का शब्द यहां पर है, जिसका जो प्रेजेंट इंपेरेटिव एक्टिव, मतलब ये एक आज्ञा रूपक में, उठ उठ, रिक्वेस्ट और आज्ञा में फर्क है कि नहीं? हम बोलते हैं ना कृपया उठिए, ये रिक्वेस्ट हो गया, और जब हम बोलते हैं उठ, गेट अप, वो आज्ञा है। इस अंधे को आकर ये आज्ञा देगी, उठ। और चीर अप, वहां पर भी वो आज्ञा दे रखे, खुश हो जाओ, ढांढस बांधो। क्या मतलब इसका, क्यों एक आज्ञा सूचक रूप में यहां पर बताया गया है?
तीन बातें वहां पर है. नंबर वन, इट शोज अर्जेंसी, जल्दबाजी में करने का है ये बात. तुम आराम से उठोगे ना तो चला जाएगा यीशु. यीशु तुमको बुला रहे हैं, उठ, तो उठना है. नहीं जी पास्टर जी, अगले हफ्ते करेंगे. रेजोल्यूशन लिया 31 तारीख को, दिसंबर को. कब के लिए? पूरे साल के लिए. पर कर पाए? जनवरी 25 हो गया. नहीं पास्टर, ये महीना नहीं, अगले महीने करेंगे. फास्टिंग ये नहीं, अगले महीने करेंगे. प्रार्थना अगले महीने कर लेंगे. बाइबल पढ़ना अगले हफ्ते करेंगे. ये कल कल करते करते कितना हो गया मालूम है हमारे जीवन में? मुझे कहानी याद आ रही, जल्दी से बताना चाहूंगा. एक भिखारी, थोड़ा मजाक भी उसमें है पर एक सत्य है वहां पर. एक भिखारी एक घर के पास आता था और हमेशा वो घर का जो मालिक है इतना कंजूस था, एक रुपया नहीं देता था. जब भी पूछता था बोलता कल आना, कल आना, कल आना. इस भिखारी को गुस्सा आ गया. बोलता कल कल करते करते मेरे करोड़ करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं तेरे सामने. मतलब समझ गए मेरा? यानी हम लोग कल कल करते हुए हमारे जीवन में कितनी कितना बोझ हमारे अंदर आ गया. प्रभु कह रहा है अब नहीं तो कभी नहीं. इफ नॉट नाउ देन नेवर. ये मौका प्रभु कह रहा है उठो उठो. 25 दिसंबर जनवरी को ये कन्वेंशन के टाइम में ही उठने के लिए प्रभु अर्जेंट कॉल आपको दे रहा है. और फिर का क्या मतलब इसका? कमांड क्यों दे रहा है? प्रभु कह रहे हैं तेरा जो दुख का समय पूरा हो गया है. इनफ फॉर यू. तुमने बहुत कष्ट सह लिया है. प्रभु इसराइल लोगों को देखकर भी कह रहा है तुम्हारे पीड़ा का समय बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया है, बहुत दुख उठा लिया है. उस अंधेर को देखकर यीशु कह रहे हैं तुम्हारा बहुत तुमने दुख उठा लिया है, आप तुम्हें चंगा होने का टाइम आ गया है. आज की रात प्रभु की आत्मा आपको देख के बोल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपके जीवन में कई सारी बातों ने आपको दबा दिया था. अब प्रभु कह रहे हैं हो गया टाइम, हो गया. अब तुम्हें वहां पर पड़े रहने का टाइम नहीं है. मैं तेरे दुखों को उठाकर बक्से में लेकर दूर फेंकने वाला हूं. हालेलुया. तुम्हारी बीमारी को लेकर दूर फेंकने वाला हूं, तुम्हारी निराशा को लेकर दूर फेंकने वाला हूं, तुम्हारे आर्थिक तंगी को लेकर दूर फेंकने वाला हूं. तुम्हारे आंसू को मैंने कुप्पी में रखा हुआ है, उसको गिन गिन कर तुम्हारी अवस्था को बदलने का टाइम आ गया है. यीशु तुमसे कह रहे हैं उठो, उठो, मुझे तुम पर दया आ रही है. हालेलुया. तीसरी बात वहां पर क्यों आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि इस आज्ञा के पीछे परमेश्वर की सामर्थ छिपी हुई है. जब ये आज्ञा दे रहे हैं ये साधारण वचन नहीं, प्रभु का वचन जो है रेमा बन के उस अंधे के पास आ रहा है. क्या कह रहा है प्रभु का वचन? इसके पास जब आके हिट कर रहा है, इसको लगा भाई यह कोई साधारण वचन नहीं, इसमें कुछ सामर्थ है. कई बार कई लोगों ने आके बोला उठो भाई खाना खा लो, अंधे को कुछ नहीं लगा. पर इस बार जब किसी ने कहा, यहां लिखा है तुरंत उठ गया, क्योंकि लगा उसको जोर का झटका धीरे से लगा, परंतु जिस इस बात में कुछ जोर है भाई, इस गाने में कुछ जोर है भाई, इस प्रचार में कुछ जोर है भाई, इस प्रार्थना में कुछ जोर है भाई. पहली वाली प्रार्थना नहीं, इस प्रार्थना में मुझे अभिषेक दिखाई दे रहा है, इस वचन में कुछ अभिषेक दिखाई दे रहा है, इस बुलाहट में एक अभिषेक दिखाई दे रहा है, इस वचन में कुछ अभिषेक दिखाई दे रहा है. द वर्ड ऑफ गॉड इज बिकमिंग रेमा फॉर यू. अभी जब मैं वचन बोल रहा हूं, प्रभु की आत्मा मुझे जोरों से बता रही है कि कई लोगों के जीवन में ये वचन दबार वचन रेमा बन के आ रहा है. लोगों से वचन रेमा बन के आ रहा है. रेमा का मतलब क्रिया करने वाला वचन. वो करके रहेगा, वो करके रहेगा. तुम्हारे शरीर के बीमारी अभी इसी समय टूट के जा रहे हैं, विश्वास करो. लेबा हंद्रामा शिखम द्रावा हाला शिखम द्रावाला बालाबा. जुबिटिक में प्रार्थना करते वक्त एक भाई के जीवन में कई सारी बीमारियां थी, परंतु प्रार्थना के दौरान उसी टाइम उसने रिसीव कर लिया. रिसीव करना आपका काम है. हालेलुया. रिसीव करते ही उसका डायबिटिक्स चला गया, उसकी किडनी स्टोन टूट के चले गए, उसके अंदर के एक भाई के अंदर दुष्ट आत्मा थी, तुरंत जूम के अंदर प्रभु ने उसकी दुष्ट आत्मा को निकाल दिया.
ये मायने को नहीं रखता कि कौन प्रचार कर रहा है। थॉमस चुरियन इज नॉट इंपॉर्टेंट, परंतु प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जीवित कलाम जब आपके जीवन में आता वक्त ये कुछ करके रहेगा। दिस इज डूइंग समथिंग टुनाइट फॉर यू, ये वचन कुछ आपके लिए कर रहा है मेरे भाई। विश्वास कर, विश्वास करके रिसीव करने पाए। उठ उठ, प्रकाशमान हो जा। दिस इज एन एक्शन, दिस इज एन अर्जेंट कमांड फ्रॉम द लॉर्ड। आगे बढ़ना चाहूंगा, किसके लिए है यह आज्ञा, किसके लिए है पुकार, यानी कौन उठे, किसको उठना चाहिए। जल्दी से बताऊंगा, जो लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, अंधे से पूछिए बर्तिमाई से, तुझे क्या हो गया? शारीरिक रूप से मैं अंधा हूं, अपने से कुछ भी नहीं कर पा रहा, अनेबल टू डू एनीथिंग, हर बात के लिए मुझे किसी पर भरोसा करना पड़ता है या निर्भर होना पड़ता है। उठने के लिए कोई आए, चलाने के लिए कोई आए, खाना लेने के लिए कोई आए, बाथरूम में ले जाने के लिए कोई आए, हर एक बात के लिए आई नीड समबडी सपोर्ट, यानी अपने से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, हर एक के लिए दूसरे के पद निर्भर हूं। आज कई लोग ऐसे बैठे होंगे, जो लोग ऐसे अंधेरे में हर एक बात के लिए किसी दूसरे पर निर्भर कहते हैं। तौबा की वे कई साल हो गए, अभी भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं पास्टर जी दुआ करो। दुआ पास्टर जी जरूर करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु हर एक बात के लिए आप पास्टर जी को ही बुला रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर पा रहे भाई। प्रभु कह रहा है उठ जा, अंधेरे में मत पड़ा रहे, ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पर भरोसा रख, वो आपके निकट है, आपकी मदद के लिए आपके पास मददकार के रूप में प्रभु ने भेजा है। आत्मिक रूप से अंधे हैं, कोई प्रकाश नहीं। क्यों नहीं प्रकाश भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी, ये लॉकडाउन ने सारा मेरा लॉक ही कर दिया, मेरा दिमाग भी लॉक कर दिया, मेरी आत्मा को भी लॉक कर दिया, मेरा जो प्रकाश था वो जो था थोड़ा बहुत मिलता था ना, वो ट्यूबलाइट वाला, पहले पहले ट्यूबलाइट की तरह जलता था ना, कभी कभी जब बाकी बल्ब जल जाता ये आराम से जलता था, अभी ट्यूबलाइट भी नहीं जलता भाई, सही बोल रहा हूं, पहले तो कभी कभी जलता था, पहले तो था मेरे पास 500 वाट का बल्ब, फिर करते करते 100 हो गया, फिर अभी ट्यूबलाइट वाला आ गया था कभी कभी जलने वाला, अभी तो 0 वाट का, 0 0, कुछ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। पास्टर जी आप जो प्रचार कर रहे हैं मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, घुसेगा कैसे, दिमाग को खोलने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा नहीं है, परंतु प्रभु कह रहा है इसी अंधेरे में आप चीजों को देखना शुरू कर दें। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, अब्राहम को विश्वास का पिता करके क्यों कहते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, विश्वास कर लिया उसने, पहले कठिन था, अरे 100 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में कोई आकर आपको कहेगी आप पापा बनने जा रहे हैं, तो आप उसको थप्पड़ मारेंगे ना, क्या बात कर रहे भाई, 90 साल की बूढ़ी को कह रहे तुम मां बनने वाली हो, तो ये तो मजाक हो गया भाई, तुम मजाक कर रहे हैं हमारा, ये पैंडेमिक में प्रभु हमारे रास्ता खोलेगा, मजाक कर रहे हैं? नहीं, अब्राहम की तरह आंख खोल के जरा देखो क्या है आगे। उदाहरण के लिए पूछना चाहता हूं, मूसा को जब प्रभु ने बुलाया, बोला तकरीबन 20 और 30 लाख के लोग जो हैं इनको मिस्र से निकालकर कहां ले जाओ, कनान में, रास्ते में मरुभूमि है, आप मुझे बताएं अगर मूसा ने विश्वास नहीं किया होता तो क्या उनको वहां से निकालता, बताओ पानी कहां से लेके आते हैं, अभी जब आप निकलते हैं तो घर से एक बोतल पानी लेके चलते हैं ना, अभी भी मैं बैठा हूं पानी लेकर, आप सबके पास बिस्लरी की बोतल होगी जब बाहर निकलते हैं, बताओ कितना बिस्लरी बोतल निकलना पड़ेगा इनको, 20 लाख लोगों के लिए कितने बिस्लरी बोतल चाहिए बताओ, क्योंकि ये मरुभूमि से जा रहे हैं, एक साल नहीं अभी काफी साल लग जाएंगे, अगर ये बात सोचकर मूसा बैठा होता तो आगे बढ़ पाता नहीं, विश्वास उसने देख लिया मरुभूमि में भी मेरे लिए
इन 20 लाख लोगों के लिए नदी बनाने वाला मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। ओराबा संद्राबा हाला खौड़ा माना वाला बा, इनके लिए खाना कहां से आएगा? ये मूसा चिंता मत कर, मेरा परमेश्वर जिसने नील नदी के अंदर अद्भुत काम किया, जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, वो आसमान से कुछ ना कुछ गिराएगा। ये बात मूसा को नहीं मालूम क्या गिराएगा, पर ये मालूम है कुछ ना कुछ करेगा। ओराबा खंदनामा हाला बाला बाबा, अब्राहम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, उसका बेटा बोल रहा है पापा लकड़ी है, आग है, तलवार है, पर बलि का बकरा नहीं है। अब्राहम कहता है यहोवा यिरे, यहोवा मुहैया कराएगा बेटे, तू आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। बेटा सोच रहा होगा बुढ़ा सटिया गया है, इसको क्या हो गया है, ये मेरा पापा जो 113 साल का हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई बकरा नहीं है, फिर वहां जाके क्या चढ़ाएंगे। पर विश्वास करने वाला पापा बोलता है यहोवा यिरे, आज विश्वास करने वाले, आंखों के दर्शन को देखे वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुंह से बोलना शुरू करे यहोवा यिरे। पैंडेमिक में ही प्रभु कार्य करेगा, अद्भुत कार्य मेरा प्रभु करेगा। अभी जब हम वचन से बोल रहे हैं, प्रभु की आत्मा बोल रही है, तीन परिवार जो है वो पति और पत्नी के बीच बड़ा समस्या से होकर गुजर रहे हैं, और उनके बीच में प्रभु बड़ा समाधान को लेकर आ रहा है। भविष्यवाणी के वचन आ रहे हैं मेरे पास, प्रभु के दास के द्वारा एक भविष्यवाणी का वचन आ रहा है। चार परिवार जो है कोविड से परेशान है, उनके ऊपर प्रभु चंगाई को भेज रहा है। विश्वास कर रहे हैं, इसी समय आंख खोल के देखें, प्रभु कुछ मुहैया कर रहा है। इसी पैंडेमिक में कई लोगों की नौकरियां हमारे चारों ओर जाते हुए हमने देखा, पर इसी पैंडेमिक में हमारी कलीसिया में जहां मैं पासवानी कर रहा हूं, ये नहीं कि हम पवित्र हैं इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं आंख खोल के देखना है। इसी पैंडेमिक में जब सबकी नौकरियां जा रही थी, हमारे कलीसिया में दो तीन लोगों का प्रमोशन हो गया, दो तीन लोगों का इंक्रीमेंट हो गया। बताओ बताओ मुझे ये चमत्कार नहीं तो क्या है? मेरा प्रभु कहता, मुझे हमेशा याद है और ये मैं बार बार कहता हूं, जब पूरे इज़राइल में और जब पूरे इज़राइल में आहाब खाने के लिए भटक रहा था, आहाब कौन है, राजा, अपने भेड़ बकरियों के लिए घास ढूंढ कर जब जा रहा था, पानी नहीं है 3.5 साल से, और पास्टर एलिया क्या कर रहे हैं, सुबह शाम नॉनवेज खा रहे हैं। हालेलुया, मजा आया कि नहीं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भले आहाब तू महल में बैठकर घास खाएगा, घास के लिए भी तुझे नहीं मिलेगा पानी, पर मेरा दास सुबह शाम ऐशो आराम से खाएगा। हालेलुया, भले राजा आहा भूखा रहे, ओराबा शंदना बालाबा, एलिया लोग भर पेट खाएंगे। मेरा बोलने का मतलब है ये है कि भले जवान शेर भूखे रह जाएंगे, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की असर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किली भरी भली भास्तु की कोई कमी नहीं होगी। विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया, आज प्रभु मुहैया करा रहा है, आज मुहैया करा रहा है। आंख खोल के देखिए, आंख खोल के, आपको आंख खोलने की जरूरत है। आगे बढ़ना चाहूंगा, किसको उठने की जरूरत है जो श्राप से बंधे हुए हैं? यरीहो शहर श्रापित था, पता है ना आपको, यहोशू के पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, ये श्रापित जगह था, जो भी इसको बनाए वो श्रापित होगा। और इसी जगह में कौन बैठे हुए हैं? अंधा, पहले तो उसकी आंख नहीं है, दूसरा जगह बैठा, कौन सी जगह बैठा है? श्रापित जगह में। एक तो पहले से गरीब है और उसके साथ किसके पास जा रहा है, जिसका बैंक बैलेंस 0 हो गया, बताओ वो क्या खाएगा, बताओ। ऐसे श्रापित जगह में यरीहो में बैठा हुआ है। कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई पास्टर जी क्या कर रहे हैं, हम यरीहो में है ना, हम यहां की ऐसी स्थिति ऐसी है कि यहां पर सब लोगों की नौकरी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे परिवार में पैदा हुए पास्टर जी, मेरे पापा मम्मी जो है हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा गाली देते हैं, हमेशा कहते तेरा सुधरेगा नहीं, यही बोल के क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तो मैं सुधर नहीं रहा। एक लड़के से मैंने बाइबल कॉलेज में पूछा, ब्रदर क्या हो गया भाई, कितना लालसी क्यों है? बोलते जी मेरे पापा जो है ना, मेरे टीचर जो बोलते हैं तू गधा ही रहेगा। अरे गधा बोल के मैं भी क्या बन गया, गधा बन गया। ये कोई बहाना नहीं है मेरे अजीजों, चारों तरफ से कुछ भी कोई भी बोल ले,
पवित्र आत्मा की आवाज क्या है, ओठ ओठ, तुझे बनाने वाले तेरे टीचर नहीं, तुझे बनाने वाले चलाने वाले तेरे माँ बाप नहीं, भले उन्होंने तुझे पैदा किया होगा, तुझे चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, तुझे चलाने वाला मैं हूं। बोलो हालेलुया। रूखा राबाला बा, मेरी आवाज को सुन, यहां वहां की और मत ताक। ये आवाज वो आवाज, पैंडेमिक ने तुझे क्रिपिल कर दिया है, तुझे लकवा मार दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, पैंडेमिक में भी मेरे लिए अद्भुत काम करने के लिए सामर्थ्य है। मेरा समय आगे भाग रहा, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट, पहले हमने देखा क्या मतलब है आज की पुकार, क्या है, उठो प्रकाशमान हो। दूसरी बात क्या देखा, किसको उठना है, और अब तीसरा देखेंगे क्यों उठना है, वाई शुड वन अराइज। अंधे के लिए बोल रहा हूं मैं, यही बर्तिमाई से बोल रहा हूं, क्यों उठना, वाई शुड वन अराइज। ध्यान से सुनना, जरा थोड़ा सा बाइबल स्टडी लाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। चार बातें हैं। नंबर वन, योर पर्सनैलिटी डजंट सूट योर कंडीशन। तेरा जो व्यक्तित्व है, तेरा जो अभी का काम है, उससे मेल नहीं खाता। क्या मतलब इसका, पूछिए नाम क्या है इसका। मरकुस ने बड़ा क्लियर दिया, मेरा बड़ा अच्छा लगा नाम देख के, बर्तिमाई। क्या मतलब बर्तिमाई का, बर अरामी भाषा में बर का मतलब बेटा, तिमाई का मतलब आदर। पापा का नाम क्या है, तिमाई, यानी तिमाई का पुत्र, यानी आदर का पुत्र। इसके पापा का नाम है मिस्टर तिमाई। आदरणीय परिवार में पैदा हुआ बेटा है कि नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं, ये भावना से बताना, क्योंकि उन दिनों में जब भी नाम डालते थे तो कुछ मतलब से, आजकल की तरह नहीं, ट्यून से डालते, आजकल ट्यून बोल के ना, यहां से ट्यून 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 करके डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं। पिछले दिनों में किसी ने नाम डाला, जुड़वा बच्चा हुआ, क्या नाम डाला मालूम, कोविड और कोरोना। देखो जी क्या दिमाग है लोगों का, बच्चे का नाम डाल रहे हैं कोविड और कोरोना। ऐसा नाम मत डालिएगा भाई, अच्छा नाम है वो ढूंढ के डालो। यहां पर क्या है, पुराने नियम में जब भी किसी का नाम डाला जाता था वो उसका व्यक्तित्व बन जाता था, किसी अर्थ से डालते थे, मतलब से डालते थे। जब इसका नाम डाला गया क्या था, बर्तिमाई, यानी ये एक आदरणीय व्यक्ति का बेटा हो सकता था, या कोई ऑफिसर का बेटा हो सकता था, या किसी धनी व्यक्ति का बेटा हो सकता था, या फिर उस गांव में माने वाले जान पहचान जाने माने व्यक्ति का बेटा हो सकता था, इसलिए उसका नाम क्या डाल दिया, बर्तिमाई। अब मेरा सवाल इससे है, ये है, तेरा नाम बर्तिमाई यानी आदर का पुत्र, और काम क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। भैया तेरा नाम और तेरा काम मेल नहीं खाता, यू आर नॉट सपोज टू बी सिटिंग हियर। अब मैं इसका आत्मिक मतलब बताता हूं, मेरे सुनने वाले अजीज भाइयों बहनों, आपको किसने बुलाया, आपके पापा कौन है, आदरणीय सब नामों में ऊंचा यीशु का नाम, यीशु के बेटे यहां, बेटियां यहां बैठे हुए हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे यहां बैठे हुए हैं, आदर के योग्य व्यक्ति के बच्चे बैठते वक्त आपको भी प्रभु आदर देना चाहता है। ऐसे बैठे रहकर ओ अंधापन में, निराशा में रहने के लिए नहीं, तुम्हारी स्थिति को प्रभु उठाना चाहता है। पिछले दिनों में एक पास्टर ने मुझे बुलाया, बहुत समस्या बताया, पास्टर ये समस्या वो समस्या, हमारा वो विरोध हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा, मेरे को गुस्सा भी आ गया, मैंने प्रेम से ही बोला, मैंने कहा तुम्हारा बाप का नाम, बाप कौन है, उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारा बाप है यहूदा का शेर। यहूदा का शेर यीशु मसीह आपका बाप है, तो आप कौन है, शेर के बच्चे, शेर उड़ाबा हतराबा हल्ला शिखंद्रा बाला बाला बाबा। ओ हालेलुया, अभिषेक पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त जनरल आपके सामने है, उसके बेटे और बेटियां अभिषेक पाए हुए होने चाहिए। मसीह का मतलब अभिषेक और आदर के योग्य व्यक्ति। जब आप बोलते हैं तो कार्य होता है, दुष्ट आत्मा को बोलते हैं, दुष्ट आत्मा भागता है। लिखा वाला बारा शंदना बारा बा, उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने आदम हुआ से कहा, आशीषित हो जाओ, भूमि में भर जाओ, और सभी के ऊपर तुम राज्य करो, सभी के ऊपर तुम अधिकार रखो। आज वो अधिकार कहां चला गया, डर के गुलाम में बैठे हुए लोगों, वैसे बैठने के लिए नहीं आपकी पर्सनैलिटी, निराशा में पड़े हुए लोगों, निराशा में रहने के लिए नहीं है मेरे यीशु की पर्सनैलिटी। यीशु का मतलब
आनंद, यीशु का मतलब आशा, यीशु का मतलब शांति, यीशु का मतलब छुटकारा, यीशु का मतलब अभिषेक। जब यीशु आपके अंदर है तो ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर होना अनिवार्य है। अगर शैतान ने आकर बोला है तेरा सब कुछ खत्म हो गया, उस शैतान को बोलो यू गेट लॉस्ट। वो जब आपके भूतकाल को याद दिलाएगा, आप उसके भविष्य को याद दिला देना, बोलना शैतान तुझे तो आग में प्रभु डालने वाला है, पर मैं यीशु के साथ राज्य करूंगा, यीशु का अधिकार पाएगा, यीशु का बेटा और बेटी हूं। आज थोड़े टाइम के लिए मेरे पास तंगी मुसीबत है, परंतु मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे प्रभु ने बुलाया है आत्मा में भरपूर उसकी स्तुति करने के लिए, मुंह खोल के आराधना करने के लिए, ताली बजाकर उसकी महिमा करने के लिए। निराशा में भी पौलुस जेल के अंदर बैठकर कहता है आनंदित हो, प्रभु में आनंदित हो। एक हाथ में संकल है, दूसरे हाथ में संकल है, पौलुस और सीलास बैठकर आराधना कर रहे हैं। रात के 12 बजे कौन ऐसे आराधना करेगा? मार पड़ी है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, कोई बाम नहीं, कुछ नहीं, कोई आराम नहीं, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। पौलुस कहते हैं प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूं। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। जब मेरे को पता नहीं कौन सा गाना उसने गाया, मैं अपनी भावना बोल रहा हूं, जब उसने गाया ना केवल पौलुस और सीलास के बंधन टूटे, जितने भी कैदी थे सबके बंधन टूट गए, यहां तक कि जेलर ने जिसने उसको मारा था वो उसके कदमों में गिर के कहता महाशय उद्धार पाने के लिए क्या करे। भैया तेरे अंदर का जो अभिषेक जो है बड़े बड़ों को घुटने में लेकर आ सकता है, क्योंकि तेरा अभिषेक नहीं है, यहोवा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक है। लिखा बारा बा हम दरा वाला बाबा, तुम्हें उठना है क्योंकि ये तेरी पर्सनालिटी के साथ मेल नहीं खाता। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो, स्तुति करने वाले हैं तो उठाकर उसकी महिमा करें, देखो आपके सामने चमत्कार होंगे। आगे बढ़ना चाहता हूं, किसको उसकी स्तुति करनी है, क्यों उसकी स्तुति करनी है? क्योंकि उसका विश्वास का लेवल ऊंचा हो गया है। इस अंधे व्यक्ति का विश्वास का लेवल ऊंचा हो गया करके यीशु को पता चल गया। कैसे मालूम? उसने देखा नहीं पर कानों से सुना। क्या सुना? यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, यीशु मसीह मसीहा हैं, यीशु मसीह ने कई लोगों को छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5,000 को खिलाया। ये सारी कहानियां किसके कान में घुस गई हैं? बर्तिमाई के। आंख बंद है, कान तो खुला है ना, कान तो खुला है। कितने लोग यहां पर, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वीडियो ऑन किया है। कई बार बोलना पड़ता है वीडियो ऑन करो, पर मेरे को तो लग रहा है आपकी सबकी आंखें खुली हैं, इसलिए आपने वीडियो भी ऑन किया है। हालेलुया, बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इससे मालूम चलता है पवित्र आत्मा ने आपके और मेरे जीवन की आंखों को खोला है। अगर तकनीकी रीजन से आपने नहीं खोला तो नो प्रॉब्लम, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके ऊपर स्पर्श कर रही है। सुन सुन के इस अंधे का कान भर गया और कहता है मेरे अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, क्योंकि रोमियो उसके 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से आता है। आज की रात प्रभु की आत्मा आपके दिलों के अंदर, कानों के अंदर वचन को घुसा कर ये कहना चाहता है It is time for supernatural. एक अलौकिक बात होने का टाइम आ गया है। उठ बर्तिमाई, उठ। कैसे मालूम? उसके अंदर विश्वास आ गया। वहां लिखा हुआ है, पास साजन ने पढ़ा कि उसने अपना कोट उठा के फेंक दिया। भिखारी लोगों के पास उन दिनों में
एक किस्म का कोट होता था, ये वाला नहीं, उनका अपना होता कपड़ा, उससे पता चलता ये भिखारी है। उसने अपना कोट भी फेंक दिया, बर्तन भी फेंक दिया, बोला अब नहीं मुझे चाहिए ये। अरे चंगा नहीं हुआ भैया, रुक जा रख ले, क्या पता प्लान बी के लिए रख ले, प्लान बी, ए प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी तो रख लेना, बाद में मांग लेना, चंगा नहीं हुआ तो रख लेना। भैया मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ वचन घुस कर ये कह रहा है प्लान बी की जरूरत नहीं है, उठा के फेंको अपने कोट को। आराबा शंद्रा वाला बा, अब मुझे इस कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु ने टच भी नहीं किया उससे पहले, अब मुझे इस कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे भिखारी के बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सुनने वालों, प्रार्थना होने वाला थोड़ी देर में, मैंने तो प्रार्थना से पहले ही वचन सुनते वक्त ही आप कहेंगे कि आज मेरा छुटकारा आ गया है, आज मेरा चमत्कार आ गया। उठा के फेंक दो अविश्वास के कोट, उठा के फेंक दो हर निराशा के कोट, उठा के फेंक दो असंभवता के कोट, उठा के फेंक दो सारे शक और सवाल के कोट, और कहो मेरा छुटकारा आ गया है, मेरा अद्भुत काम आ गया है। ट्विन सिटी में परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से काम कर रहा है। लावा हाता लामानाबा, टेक योर कोट एंड थ्रो इट अवे बाय फेथ एंड डिक्लेयर दैट आई एम गोइंग टू सी सम सुपरनैचुरल इन माय लाइफ। अलखा रमाना शब्दना बालाबा, इसी समय प्रभु की आत्मा स्पर्श कर रही है। कुछ समय पहले मैं वचन में बात रहा था, हांगकांग में बैठा हुआ एक परिवार जूम से सुन रहा था, आई डोंट नो दे वर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और हांगकांग से सुनते वक्त परमेश्वर ने उनको छू लिया। उस घर कमरे के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर के आ गया। वो बीड़ी का शक, उसका एडिक्शन का वकी था, परंतु प्रभु ने उसको छू दिया और उसको उसमें से छुटकारा दे दिया। और वो कहने लगा, बाद में टेस्टिमनी दिया कि हमारे शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ रहा है। कहां से प्रचार हो रहा है? मीलों दूर प्रचार हो रहा है, हांगकांग में जूम बॉक्स के अंदर प्रभु कार्य कर रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप हांगकांग से दूर नहीं है, आप हांगकांग से पास है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके करीब है। उठा के फेंक दो और अद्भुत कामों को इसी समय स्पर्श होते हुए आपके शरीर में, मन में, आत्मा में देखो, आंख खुल रहा है। यू कैन सी सम सुपर नेचुरल हैपनिंग बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर बर्तिमाई, द लॉर्ड इज कम हियर टू bless you। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर उस अंधे के स्वभाव को बदलना चाहता है। क्यों उठना कह रहा है? क्योंकि मैं तेरे आदत को चेंज कर रहा हूं। जल्दी भाग रहा हूं, अगले 5-6 मिनट में समाप्त करूंगा। तेरे आदत को चेंज कर रहा हूं। क्या आदत है? अभी तक तू मांगता था, आगे मैं तुझे देने वाला बना रहा हूं। हालेलुया, ओ हालेलुया। अभी तक दे 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 करके मांगता था, भिखारी बर्तिमाए दे दे दे, चंगाई दे दे दे, छुटकारा दे दे दे। अभी कहता है प्रभु, जल्दी भाग रहा हूं, अभी कहता है ले ले ले, तू बोलने वाला है यीशु के नाम से, ले 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 यीशु के नाम से, बीमार चंगे हो यीशु के नाम से, वचन दे दे दे। दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले, दूसरों को एनकरेज करने वाले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरों के जीवन में अद्भुत काम को देखने वाले होने पाए। अभी तक स्पेक्टेटर थे, बट अभी अनुभव करके देने वाले होने पाए। पहले गाना सुनते रहते थे, अभी गाना बोलने वाले होने पाए। पहले वचन सुनते थे, अभी वचन बोलने वाले होने पाए। एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। आज प्रभु आपकी पर्सनैलिटी को बदल रहा है। लेने वाले नहीं, देने वाले होने पाए। ओ कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले होने पाए। The Lord says, I will make you head, not the tail। ये विश्वास करने वाले कितने लोग यहाँ पर हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जीवन में कई अनुभव ऐसे हुए हैं। प्रभु ने मुझे कई परिस्थितियों से लेकर गया है, जंगल से भी ले गया, मंगल से भी ले गया है, वो बैलगाड़ी में भी बिठाया है और हवाई जहाज में भी बिठाया है। मैं कहूं तो आपको आज रात पूरा बैठना पड़ेगा, इतने भलाई प्रभु ने किए हैं। मैं कैसे चुप रहूं? बोलेंगे पास्टर चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मेरे लिए प्रभु ने जो किया उसको बयान करके बैठा, नहीं जाता मुझसे। राबाला शमदाला बाबा, थकावट बहुत थी क्योंकि रात को बहुत लेट सोया, मतलब बहुत मीटिंग के बाद आया था। परंतु जब प्रभु का वचन बोलता वक्त मुझे जब लगता है लोग जीवन में कार्य हो रहा है, तो मेरे अंदर आत्मा में एक जोश आ जाता है। बाहर ठंड है, बारिश हो रही है, परंतु यहां बैठ के प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है कुछों को प्रभु दे रहा है। रिसीव इट, रिसीव इट। एंड द लॉर्ड इज मेकिंग यू एज ए गिवर, नॉट रिसीवर। रिसीव करके देने के लिए प्रभु की आत्मा आज रात को बता रही है। चौथी बात बोल के यहां समाप्त करना चाह रहा हूं। किसको जागना है? किसको उठना है? क्यों उठना है? बिकॉज द क्रिएटर इज कॉलिंग यू। क्योंकि बुलाने वाला और कोई नहीं, सृष्टि करता है। हालेलुया। बर्तिमाई
अभी तक कई लोगों ने तुझे बुलाया होगा, उन्हें कई वायदे किए होंगे, पर सारे वायदे बेकार गए। पर आज की रात बर्तिमाई तेरा सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इस आवाज में मुझे कुछ चेंज नजर आ रहा है। ये वही आवाज है उत्पत्ति 1:3 में बोला हुआ, ज्योति हो, बोला वही आवाज है। यही वही आवाज है जिसने नूह को बोला किश्ती बना लॉकडाउन में। ये वही आवाज है, ये उसी की आवाज है जिसने अब्राहम से बोला तुझे मैं संतान दूंगा। ये वही आवाज है जिसने मूसा से बोला जा फिरौन के पास खड़ा हो जा, लाठी ले, मैं तेरे साथ हूं। ये वही आवाज है जिसने दाऊद को जंगल से खड़ा करके राजा के सिंहासन पर बिठाया। ये वही आवाज है जिसने कहा मैं हूं सो हूं। ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जिसने पत्रस को कहा मत डर, मत डर, आ पानी पर चलना शुरू कर दे। मुझे यही आवाज दिखाई दे रही है, यही आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि इस आवाज में एक अश्योरेंस है, इस आवाज में एक ताकत है, इस आवाज में एक उम्मीद है, इस आवाज में एक चंगाई है, इस आवाज में एक छुटकारा है। बर्तिमाई, ये कोई गवर्नर का की आवाज नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री की आवाज नहीं, वो लोग आदरणीय लोग हैं, परंतु ये सृष्टि करता है, ये जो बोलता है वो करता है। अगर उसने तुझे बुलाया है तुझे 2-4 रुपया दे के खुश करने के नहीं, ये तुझे वो करेगा जो तूने कभी नहीं किया। तेरी आंखों को खोल रहा है, तेरे आंखों को खोल रहा है, तेरे दर्शन को हटा रहा है, तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरे बैंक में, तेरी सेवकाई में, तेरे आत्मिक जीवन में एक चेंज लेकर आने जा रहा है। मैं यहां समाप्त करने जा रहा हूं। विश्वास करने वाले अपने आंखों को बंद कर रहे हैं, प्रार्थना शुरू कर दें। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। बुलाने वाला और कोई नहीं, कहने वाला, आज्ञा देने वाला और कोई नहीं, जमीन और आसमान को बनाए वह खालिक और मालिक खुदावंद कादर मुतलक खुदावंद कहता है। अगर मैं कहूं तो होगा, जिसका खेमला पात्र मैंने सुखिम बल कौडमा रखमदल बाउडबा ओ रिकम अंद्रोबा हतली मनखमदल बारबा लखमदल बेरबा। ओ कई अद्भुत कामों को प्रभु ने मेरे सामने होते हुए मैंने देखा है। ओ हालेलुया, दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटना टेकेंगी, विरोध आपके सामने घुटना टेकेंगी। बुलाया हुआ परमेश्वर वफादार है, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा। विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। आपके रोने को खुशी में बदल रहा है, आपके इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस ट्विन सिटी सिर्फ नहीं, मुंबई सिर्फ नहीं, दुनिया के कोने कोने से जो भी सुन रहे हैं उनकी बीमारी के ऊपर प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के बोल रहा है आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ थी, मैं चंगा करने वाला व्यक्ति प्रभु परमेश्वर हूं। हालेलुया, ऐसी प्रार्थना कहीं पर हो रही थी जूम मीटिंग में, हमें नहीं मालूम। प्रभु की आत्मा बड़े जोरों से बात करते वक्त स्वर्गदूत के सामर्थ्य वहां पर प्रकट हुए करके, जब हमने बोला एक बहन को काफी लंबे समय से बीमारी थी। हालेलुया, और उस समय हाल आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कहता हूं, मुझे नहीं पता पर परमेश्वर की आत्मा बता रही थी, और उसी समय उसने रिसीव किया। काफी लंबे समय से बिस्तर में पड़े निराश बहन, उसको प्रभु ने उसी क्षण में चंगा कर दिया है। आज आपका समय है मेरे सुनने वालों, आपकी आप आदर के योग्य व्यक्ति हैं, वहां बैठे रहने के लिए नहीं। इस लॉकडाउन में 2020 में जो हुआ उसको भूल जाए। प्रभु कह रहे हैं आइसैया 43:19 में कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, नया करने जा रहा हूं। विश्वास करने वाले हाथ उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करना जाएं। थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अपने रूम में करते रहो, धन्यवाद करते रहो। समथिंग इज हैपनिंग। प्रभु ने सुबह प्रार्थना करते हुए प्रभु के दास मेरे भाई समीर के द्वारा ये बताया कि इस ट्विन सिटी के कई सारे पासवानों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उंडेलने जा रहे हैं, अभिषेक प्रभु करने जा रहा है, कई एक अवस्था को बदलने जा रहा है। ये प्रभु ने प्रोफेटिक रूप में सुबह बता दिया है। आज की रात आप विश्वास करें, दिस इज माय नाइट। चूड़ावा खाला बालाबा, जनवरी 26 तारीख से मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मेरी कलीसिया ऐसे नहीं रहेगी, मेरा परिवार ऐसे नहीं रहेगा, मैं बीमारी में नहीं रहूंगा,
बंद दरवाजों को खोलेगा, नौकरी कहां से आएगी ये मत चिंता करो, मेरा यीशु कहीं से जुगाड़ करेगा, आपके बच्चों के लिए जुगाड़ करेगा, उसके पास कई जुगाड़ है। हालेलुया, लखु रमा तूनी महंद्र बलबा, ओ चिड़ियों को खिलाने वाला परमेश्वर, हालेलुया मछलियों को खिलाने वाला परमेश्वर, लॉकडाउन में भी सभी जनजातियों को, सारे जानवरों को खिलाने वाला हमारा परमेश्वर, आप और मैं उसके लहू के द्वारा खरीदे हुओं को कितना ज्यादा खिलाएगा, कितना ज्यादा चलाएगा, आपकी फिक्र करने वाला कहता है इट्स ओवर, इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज, तुम्हारा दुख बहुत मैंने देख लिया, हन्ना तेरे जीवन में एक बच्चा प्रभु देने जा रहा है, कुछ एक लोगों के जीवन में बच्चों को प्रभु दान देने जा रहा है, विश्वास के साथ देखिए अगले साल इस समय तुम्हारे बच्चे के साथ यहां खड़े होंगे। ओ कुछ लोग सोच रहे हैं प्रभु जी मेरे बच्चे के एडमिशन का मैं सोच रहा हूं, परंतु मेरा प्रभु कह रहा है तुम आगे बढ़ो, एडमिशन तेरे पीछे आएगा। हालेलुया, तुम आगे बढ़ो, रास्ते तुम्हारे लिए खुलते रहेंगे, जंगल में मार्ग वो खोलेगा। लाखारा मांद्रा माला शिखाला बाबा, एक मिनिस्ट्री में एक चेंज आ रहा है। फेसबुक के द्वारा सुनने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं सम चेंज इज हैपनिंग इन योर लाइफ, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ओ टेक इट फ्रॉम द लॉर्ड, विश्वास से साथ ले लीजिए और देखो कि प्रभु कितने अद्भुत कामों को कर रहा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, समाप्त हो रहा है। आ रखम दलिबा रखम दला बाबा, स्वर्गीय पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की रात के लिए प्रभु, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बोलने वाला कौन है वो मायने नहीं रखता, पर किसका वचन बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी हम तेरे वचन को लेकर आए हैं, उठ और प्रकाशमान हो, ये इस घड़ी की पुकार है। दिस इज द कॉल ऑफ द आवर लॉर्ड, वी आर गोइंग टू राइज अप लॉर्ड, विश्वास से हम खड़े हो रहे हैं, विश्वास से मुख खोल रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं, विश्वास से हाथ हिला रहे हैं, विश्वास से अद्भुत कामों को आंखों से देख रहे हैं, अभी तक जो नहीं देखा वो ये देखने जा रहे हैं। प्रभु जी अगर बीमारी में, शरीर में, आत्मा में, मन में कोई भी परेशानी में है, आज की रात सारे बंधनों को तोड़ देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, let their eyes be opened, let their eyes be opened, let there be transformation happening right now. विश्वास से रिसीव करो, रिसीव करो, मिनिस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, I don't know what is happening, मिनिस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, ट्विन सिटी को प्रभु उल्टा पुल्टा करके एक आत्मिक रीति में उसको बदलने जा रहा है। Oh, the spirit of darkness is going to bow down before the name of Jesus, because the word of God says every knee shall bow, every tongue will confess, because Jesus is Lord. Hallelujah. Uske haathon mein prabhu hum somp de, aapke haathon mein hum somp dete hain prabhu ji, in sabko aashish de, inke sare jitne bhi agwe log hain jinhone organize kiya, sabke upar tera abhishek undel ras, dhanyawad karte hain, prarthna ka sunas dhanyawad ho, yeshu ke naam se mangte hain, amen amen amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया क्षमा करना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन सारे इस रिस्पांसिबल प्रभु के दास दासियों को, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 परमेश्वर, सचमुच हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर से इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं खुद इस वचन के द्वारा आशीषित हुआ हूँ, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब लोग आशीषित हुए हैं। मैं सबसे कहूंगा इस समय में, यदि आप सब लोग आशीषित हुए हैं तो अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहता हूं कि बस एक 5 मिनट में हम लोग थोड़े ही समय में आज की सभा को समाप्त करने वाले हैं, कोई भी जाए ना। इस समय में जब परमेश्वर के दास ने सुंदर से वचन को दिया है, तो हमेशा आप सब लोग पास्टर साहब के लिए प्रार्थना में याद रखिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर पास्टर थॉमस चरियन जी को बहुत बहुत आशीष दे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस समय में हम वोट ऑफ थैंक्स की ओर जाने वाले हैं, जो हमारे बीच में पास्टर रेजिनाल्ड है, उनको मैं समय देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि काफी समय से मैं कामोठे में नवी मुंबई में सेवा कर रहा हूँ, और परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया कि मैं ट्विन सिटी क्रिश्चियन एसोसिएशन के इस परमेश्वर की सेवकाई में एक बहुत ही महिमा परमेश्वर की महिमा का जो काम है हमारे लिए वो मैं कर रहा था। और जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे
ट्रांसफर मिला है, साथ ही साथ में मैंने एक जगह पर सेवा करने के लिए जो नई जगह है, नई फील्ड है, वहां पर चालू किया है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि मेरे लिए सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि जो नई जगह पर हम सेवकाई को चालू करने जा रहे हैं, परमेश्वर उस सेवकाई को बहुत ही अद्भुत रीति से बढ़ाए और परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी महिमा करवा ले। सो आगे का समय मैं पास्टर रेजिनाल्ड जोसेफ जी के हाथ में देता हूँ, वो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हमें सबको जय में दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हमारा समय बहुत आगे बढ़ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा समय के अंदर सबको हमें वोट ऑफ थैंक्स बोलना मेरा कर्तव्य है, बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये सहायता किया, इसलिए हम आज इस मंच पर आने के लिए प्रभु हमको सहायता किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हमारे बीच में आराधना को लीड किया, आमीन हालेलुया, परमेश्वर का दासी बहन, आमीन, हमारा सिस्टर मनप्रीत किरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हम क्योंकि उन्होंने आके हमें बहुत अच्छा रीति से मधुर गीत गाकर हमें परमेश्वर का स्तुति आराधना किया, उस सिस्टर को हम ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन हमें बांटा हुआ हमारा प्रिय पास्टर थॉमस चरियान के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आमीन, इस टीम एराइज एंड शाइन उसमें उसी के अंदर से बातें करने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हम उनको और उनके परिवार को हम ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु और बहुत आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड, और ट्विन सिटी के जितना भी पास्टर्स है और उनके कलीसिया और बिलीवर्स और सभीों को और इधर हमारे जो नबी मुंबई से जुड़ा हुआ सब पास्टर्स को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज उनका समय देख के इस मीटिंग में शामिल हो गया, सबको ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका पार्टिसिपेशन के लिए और प्रेयर सपोर्ट के लिए, सब धन्यवाद करते हैं। यदि आपका आपके बिना ये काम अधूरा था, लेकिन आप सब आए, इसलिए हृदय का गहराई से आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप सबको प्रभु आशीष अनुग्रह करे। और इस सूम जो मीडिया जो उनका जो प्रोविजन ने जो किया है, हमारा जो बीटी चर्च ऑफ गॉड के पास्टर और सेक्रेटरी को हम ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ हम कार्मेल मीडिया विजन को उनके जो फेसबुक के जो लाइव है और सोशल मीडिया, हमें ब्रदर जैन उनके परिवार को हम ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस जो प्रोग्राम का जो फ्लायर बनाया हुआ हमारे जो राइस अगेन मीडिया को हम ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, प्रभु सबको आशीष करे। और खास करके हम ट्विन सिटी ट्रस्ट के हमारे सारे कमेटी मेंबर्स कोर कमेटी हमें सभीों को धन्यवाद देते हैं, सबको प्रभु आशीष और अनुग्रह करे। और देश के भिन्न भिन्न भाग से इवन शायद विदेश से भी जुड़ा हुआ लोग है, तो सबको और एक बार ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। और इस मीटिंग को प्रिसाइड किया हुआ परमेश्वर के दास पास्टर विनोद जादू को भी ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से धन्यवाद देता है, और सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इवन वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर और सारे कमेटी को और एक बार हृदय का गहराई से और ट्विन सिटी क्रिश्चियन ट्रस्ट के तरफ से धन्यवाद देते बोल के मैं मेरा बातों को समाप्त कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय में एक प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में पास्टर
सबास्टिन है, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो क्लोजिंग प्रेयर करें, आखिरी की अंतिम प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करें। उसके बाद में हमारे बीच में पास्टर पी मैथ्यू जी है, वो बेनेडिक्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और फिर हम हमारी सभा को समाप्त कर देंगे। हाय, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। लेट्स प्रे। Father, we thank you for the powerful and anointing worship of Sister Manpreet. You used her for the stirring up and anointing of the Holy Spirit. हम धन्यवाद करते कि आप आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ये स्तुति आराधना हर व्यक्ति को एक आग की तरह इस समय हम लोग को समय दिया हुआ, उसके लिए हम धन्यवाद देते। We thank you, Lord, for पास्टर थॉमस चेरियन, उनके वचनों को लाइक अ स्टॉर्म स्टरिंग अप एवरीबॉडी टू अराइज एंड शाइन, अवेक, उठ जागो। वी थैंक यू फॉर द वर्ड। आई प्रे दैट यू विल कॉज योर माइटी पावर टू रेस्ट अपॉन ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। हर व्यक्ति जो भी आज शामिल हुए थे उनके ऊपर अभिषेक और एक नया मोड लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वी वॉन्ट टू गिव यू ऑल द ग्लोरी, वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द पास्टर एंड फॉर सिस्टर मनप्रीत एंड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड फॉर एवरीवन। लॉर्ड, वी प्रे लेट दिस 26 जनवरी विल बी अ डिफरेंट जनवरी। ये 26 जनवरी एक अलग तरीका से अभिषेक किया हुआ जनवरी होने दिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी वॉन्ट टू कमिट this time everything, and we want to give all glory and honor and praise in the mighty name of Jesus. We say amen and amen. Pastor P. Matthew jo hai wo benediction denge. Hey, so you guys, hamare swarg ke pita ka prem, परमेश्वर मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बने रहे। विशेष करके आज इस आराधना का आयोजन किया हुआ सारे कार्यकर्ता होंगे और प्रजारक पास्टर थॉमस चेरियन और गीत में मदद किया हुआ सिस्टर मनप्रीत, सभी के साथ सदैव बने रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ये नया साल, ये नया वर्ष 2021 आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीष कर रहे हैं। जय मसीह की। Om Sri Ram Basaya, praise Lord.